ख्वाजा साहब। चाचा जान, चाचा जान जी, एक नजर इस खाकसार की दुकान पर भी डाल लीजिए। बहुत ही नादिर और नायाब चीजें हैं जनाब। हमें दुकान दुकान घूमने की आदत नहीं, हम कोई एक या दो दुकान पसंद करते हैं और फिर हमेशा वहीं से सामान खरीदते हैं, यही हमारा उसूल है। इस बार भी ऐसा ही इरादा है, जब तक हम यहाँ हैं उन्हीं दुकानों से सामान खरीदेंगे जहाँ से कल खरीदा था। ये उसूल की बात है बेटा। आप अपनी मर्जी के मालिक हैं जनाब, खरीदारी भले ना करें मगर एक बार देख तो लें। साहबजादे, मैंने ये सारा जाल इसीलिए तो बना है कि शिकार खुद ब खुद खिंचा चला है। जी क्या सोचा आपने? हाँ हाँ, तुम एक तमीजदार नौजवान और हमें तमीजदार बच्चे बेहद पसंद है। जी शुक्रिया शुक्रिया। जाफर मियां जी, आप आगे चलिए, हम जरा इस बच्चे की दुकान पर एक नजर डाल कर आते हैं, हो सकता है हमारे मतलब की कोई चीज निकल आए। जी बेहतर, आइए आइए जनाब, आइए तशरीफ लाइए, आइए आइए जनाब, हाँ आइए जनाब, आइए आइए, तशरीफ रखिए। जी सुना है कल आपको बेहतरीन कालीन की तलाश थी? हाँ हाँ जी, मेरी दुकान पर बेहतरीन कालीनें हैं और दाम भी बहुत कम है जनाब। अरे मियाँ, दाम की तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जो चीज हमें पसंद आ जाती है ना हम उसकी मुंह मांगी कीमत देते हैं। वाह, बेहद मुलायम, बेहद नफीस और बेहद खूबसूरत है। जी शुक्रिया। ऐसी और कितनी कालीनें हैं तुम्हारे पास? जी फिलहाल तो दो चार हैं। बस दो चार? हाँ। अरे मियाँ, अरे भाई, हमें तो कम से कम 100 कालीनों की जरूरत थी। 100? हाँ। खैर कोई बात नहीं, ऐसा करो फिलहाल तुम ये 100 दिनार पेशगी रख लो, हम जब दूसरी मर्तबा दौरे पर आएंगे तो कालीन ले लेंगे। जी इसकी क्या जरूरत? नहीं नहीं रख लो। जी शुक्रिया। क्या हुआ ख्वाजा साहब? ख्वाजा साहब संभालिए अपने आप को, ख्वाजा साहब क्या हुआ? ख्वाजा साहब क्या हुआ? ख्वाजा साहब संभालिए। अरे भाइयों, दोनों भाइयों, ख्वाजा साहब बेहोश हो गए, जल्दी आइए। क्या हुआ ख्वाजा साहब को? पता नहीं, ये जनाब अचानक घास खाकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब। अरे बेटे हाशिम, क्या हो गया इन साहब को? चाचा जान, ये बुजुर्ग मेरी दरख्वास्त पर यहाँ तशरीफ लाए थे और अचानक घास खाकर गिर गए। हाँ? हाँ? अरे पंखा चलो, पंखा चलो, गुलाब पास लो, गुलाब पास। हाँ? आप लेटे रहिए, आपको आराम की सख्त जरूरत है। नहीं, नहीं, अब मैं संभल के
अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मगर आपको अचानक ही चक्कर कैसे आ गया? बेटे, मिर्गी का दौरा पड़ता है मुझे। बहुत इलाज करवाया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। बड़ी पुरानी बीमारी है, बाप दादा से वारसे में मिली है। बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। मगर आप? जी, मेरा नाम अली बाबा है। मैं हाशिम मियां का चाचा जान हूँ। अच्छा। बेटे हाशिम जी, आप अंदर जाइए और कुछ शरबत का बंदोबस्त कीजिए। अरे नहीं। जनाब, मेरा नाम ख्वाजा हसन है। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। सौदागर हूँ। होना तो ये चाहिए था कि इस उम्र में मेरा कारोबार मेरी औलाद संभालती है, मगर खुदा ने मुझे इस नेमत से महरूम रखा है। ओह, बड़े अफसोस की बात है। अल्लाह के फजलो करम से चार चार जवान बेटे थे मेरे। मगर एक एक करके सब सिधार गए। इस बुढ़ापे में कमर टूट गई मेरी। जी लीजिए, ये शरबत पी लीजिए, थोड़ी तबीयत संभल जाएगी। जी हाँ। शुक्रिया मेरे बच्चे, शुक्रिया। खुदा तुम्हें सलामत रखे। बस इस बच्चे को देखकर मुझे अपने बेटे याद आ गए। ऐसे ही खूबसूरत और कड़ियल जवान बेटे थे, मगर दाग दे गए। खैर, बड़े अफसोस की बात है। अल्लाह की मर्जी है जनाब। संभल के। संभालिए। अब तो बस आखिरी संभाला रह गया है। सोचता हूँ ये आखिरी दौरा खत्म कर लूँ, फिर हज को चला जाऊंगा। अब अपने लिए तो देश भी परदेश है, कौन है जो हमारी देखभाल करेगा? अजी, हम कोई गैर नहीं है। जब तक आप यहाँ पे हैं, हम हर तरह से आपकी खिदमत करेंगे। आइए, आपको आपके घर तक छोड़ दूं। नहीं नहीं, मैं अपनी बग्गी में चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, कम से कम हमें अपने साथ चलने की इजाजत तो दीजिए, कहीं रास्ते में आपको कोई तकलीफ हो गई तो। ऐसा है तो चले चलिए, इस बहाने मेरा गरीब खाना भी देख लीजिएगा। बेटे हाशिम जी, मैं ख्वाजा साहब को उनके घर तक छोड़कर आता हूँ। जी चाचा जान। अच्छा, आइए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुश रहो। कीजिए। शुक्रिया अली बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे भी इजाजत दीजिए। अरे भाई, ऐसी भी क्या जल्दी है? इस अजनबी शहर में तुमने जो मुझ पर एहसान किया है, उसका शुक्रिया तो अदा करने दो। जाफर मियां। जी हुजूर। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप भी अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए, जरूरत होगी तो मैं आवाज दे लूंगा। जी बेहतर। और आप लोग भी जाइए। अरे अली बाबा, खड़े क्यों हो? बैठो ना, बैठो। अली बाबा, मैं कई मुल्कों में घूमा हूं, तरह तरह के लोगों से मिला हूं, मगर तुम जैसा नेक दिल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जनाब, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? अरे नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूं। हाँ, पता नहीं क्यों तुमसे एक लगाव सा हो गया है। बस दिल से यही दुआ निकलती है कि खुदा तुम्हें लंबी उम्र दे और दुश्मन की नजर से बचाए। अरे नमाज का वक्त हो गया और बातों बातों में कुछ पता ही नहीं चला। आज मेरी नमाज कजा हो जाएगी,
कसा क्यों होगी? अरे कसा क्यों होगी, आप अपनी नमाज यहीं अदा कर लीजिए और खुदा से मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। हो सकता है खुदा मुझ पर भी मेहरबान हो जाए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सारा इंतजाम किए देता हूँ। जाफर मियां। फरमाइए ख्वाजा साहब। जाफर मियां, हमारे मेहमान को वजू करना है जी, नमाज अदा करनी है, इन्हें हमारे खास कमरे में ले जी। चलिए हुजूर। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आइए। अली बाबा, आखिरी बार, आखिरी बार अपने खुदा को याद कर ले। शहर कोतवाल। ये कहां आमरा? आदाब। आदाब, फरमाइए। मैं हूं शहर कोतवाल। खुशामदीद, खुशामदीद। कहीं कैसे तकलीफ किया आपने? शहर में हर जगह आपकी आमद की चर्चा हो रही है, सोचा कि आप जैसे नेक बुजुर्ग का दीदार कर लूं। ज़हन नसीब, ज़हन नसीब। तशरीफ लाइए। जी नहीं शुक्रिया, इस वक्त दौरे पर यहाँ से गुजरा तो सोचा आपसे मुलाकात भी कर लूं और आपको असफंद यार के खतरे से आगाह भी कर लूं। अरे जनाब, हम सिवाय खुदा के किसी और से नहीं डरते। बिल्कुल दुरुस्त। अगर मालिक का करम हो तो एक असफंदियार क्या, हजार असफंदियार आए तो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्यों ख्वाजा साहब? दुरुस्त फरमाया आपने। अरे जनाब, आप यहाँ कैसे आ पहुंचे? जी वो बात दरअसल ये थी कि ख्वाजा साहब को गश आ गया था और ये मुझे सहारा देकर यहाँ ले आए। जी मगर इनसे एक शिकायत है मुझे। शिकायत? कैसी शिकायत? जनाब, आपने हमें अपनी खातिर करने का मौका नहीं दिया। अरे जनाब, आपकी खातिर करना तो मेरा फर्ज है क्योंकि आप मेरे मेहमान हैं। अगर आप बुरा ना माने तो आज रात की दावत हमारे गरीब खाने पर कबूल फरमाएं। आपकी दावत सर आंखों पर, मगर पहले मुझे अपना फर्ज पूरा करने दीजिए। यह हकीर तोहफा कबूल फरमाएं। जी आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, ये हमारे यहाँ की रस्म है, हम अपने मेहमान को यूं ही नहीं जाने देते। इनकार मत कीजिए वरना मुझे मलाल होगा। अगर ऐसी बात है तो कबूल कर लेते हैं। मगर आज रात की दावत याद रखिएगा। अरे जरूर जरूर, आज की दावत को तो मैं खुदा की नेमत समझूंगा और जरूर आऊंगा। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। चलिए कोतवाल सर। जी खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अली बाबा, तुमने मुझे नहीं अपनी मौत को दावत दी है। अच्छा अब हम चलते हैं। रात को आप भी तशरीफ लाइएगा। अरे भाई, मैं आकर क्या करूंगा? नहीं नहीं, आपको भी आना पड़ेगा, अब मेहमान की खातिर भी हो जाएगी और दिल भी बहल जाएगा। तो फिर रात को हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये तो बहुत कीमती हीरा है। ऐसे हीरे तो सिर्फ बादशाहों के पास ही होते हैं। क्या नाम बताया आपने उनका? ख्वाजा हसन, बड़े ही नेक बुजुर्ग हैं मगर बदनसीब हैं। चार लड़के थे और चारों गुजर गए। अफसोस, मगर वो यहाँ कब तक हैं? उन्हें कुछ खरीदारी करनी है, उसके बाद ईरान जाने का इरादा है। तो फिर आप भी उनकी दावत कर दीजिए, हमें किसी का एहसान अपने सर पर रखना नहीं चाहिए।
हाँ, मैं उन्हें दावत दे चुका हूँ। ये वक्त क्यों नहीं गुजरता? क्यों? जाफर जी फरमाइए। क्या बात है, आज मगरिब की अज़ान क्यों नहीं हो रही? क्या शहर के सारे मुअज्जिन सो गए हैं? अभी मगरिब कहाँ, जब सूरज ढलेगा तब अज़ान होगी। जब सूरज ढलेगा तब अज़ान होगी। जाओ यहां से। अच्छा नहीं, ये सूरज कब ढलेगा, कब शाम होगी और कब अली बाबा का जनाजा उठेगा? अरे वाह, आप दोनों ने तो मिलके इस घर को जन्नत का नमूना बना दिया है। हमारे मेहमान को भी तो पता चले कि वो किसके घर आया है। हाँ हाँ। अब तुम बावर्ची खाने में जाओ और इतना लजीज खाना तैयार करो कि ख्वाजा हसन साहब जिंदगी भर याद रखें। हाँ। एक बार उस सलील डाकू अस्फंदियार के लिए भी तो खाना बनाया था। हाँ, मगर वो नमक हराम निकला, हमारा नमक खाकर हमारा ही खून बहाने पर तुल गया था। ये है ईरान की मशहूर मुगन्निया लैला मसूद। आदाब। बहुत सुरीली आवाज है इनकी। माशाल्लाह माशाल्लाह। जब ये सूफियाना कलाम सुनाती है तब महफिल पर वज्द की कैफियत तारी हो जाती है। वाह 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 वाह, फिर तो हमारे ख्वाजा साहब खुश हो जाएंगे। मगर आपने इन्हें तलाश कैसे किया? जी मैं मिस्र जा रही थी, एक रात के लिए यहाँ ठहरी, तो कोतवाल साहब की दरख्वास्त पर यहाँ चली आई। मगर एक बात का ख्याल रहे, हमारे मेहमान एक नमाजी और परहेजगार इंसान है, उनकी शान में किसी तरह की बेअदबी ना होने पाए। अरे जब वो लैला मसूद की आवाज सुनेंगे तो उनकी रूह झूम उठेगी। अच्छा तो अब मैं अपना दौरा मुकम्मल कर लूं, फिर शाम को हाजिर होता हूँ। जी जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नौबहार, इन्हें और इनके साथियों को अंदर ले जाओ और आराम का बंदोबस्त करो। आइए। अल्लाहु अकबर अल्लाह। जनाब मगरिब की अजान हो गई, अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया जी, और हमें किसी ने बताया तक नहीं। जाफर तुम एक काम करो। जी फरमाइए। हमारे लिए तेज रफ्तार घोड़े का इंतजाम करो। जो हुक्म। और हाँ, घोड़ा ऐसा होना चाहिए जो आंधी और तूफान को भी पीछे छोड़ दे। जाओ। जी बेहतर है। मर्जी ना, सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई ना? जी हाँ, बस ख्वाजा साहब के आने की देर है। और वो लैला मसूद, वो तैयार है कि नहीं? जी उनको भी ख्वाजा हसन साहब का इंतजार है। अच्छा, चाचा जान। हा? चाचा जान, ख्वाजा हसन साहब तशरीफ ले आए हैं। अरे आइए। आदाब आदाब। आइए तशरीफ लाइए। आइए आइए। मर्जीना, ये है ख्वाजा हसन साहब, और ख्वाजा साहब ये है मर्जीना। आदाब। जीती रहो। बड़ी होनहार लगती है आपकी मर्जीना। ऐसे क्या देख रही हो बेटी? आपकी सूरत हमारे एक मेहरबान बुजुर्ग से काफी मिलती जुलती है। तो समझ लो हम ही वो बुजुर्ग हैं। अच्छा अब तुम दस्तरखान की तैयारी करो। जी सब कुछ तैयार है, बस पुलाव में थोड़ी सी कसर रह गई है। वो कसर भी पूरी हो जाएगी। अरे वाह, यह आसा बहुत खूबसूरत है, कारीगरी का नमूना। कम से कम 500 बरस पुराना है। फिर तो इसे किसी अजायब घर में होना चाहिए था। अच्छा बातें फिर कर लेना, पहले तुम जाकर दस्तरखान लगाने की तैयारी करो। जी। बेटे तुम जाओ मदद के लिए। आइए तशरीफ रखिए। चलिए। तशरीफ रखिए। फरमाइए, आपको गरीब खाने तक आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे कैसी बातें करते हैं, बगदाद में आपको कौन नहीं जानता अली बाबा। बेटे आप बावर्ची खाने में जाकर
चाची जान की मदद कीजिए। जी। जब तक दस्तरखान तैयार होता है शरबत नोश फरमाइए। हाँ हाँ क्यों नहीं। वैसे आपके घर में कोई मुलाजिम नहीं है? सारा काम हम लोग खुद ही कर लेते हैं, मुलाजिमों की जरूरत ही नहीं पड़ती।